जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैन्य लाडलू लाडलू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली कि ऐसा पहली बार हुआ है या पहली बार होगा एसएससी जीडी में, मजा आ गया क्या है इसका मीनिंग, क्या मजा आ जाएगा, क्या इस बार पहली बार होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ लाडलू की एसएससी जीडी 2021 में क्या इस बार अलग है। तो जिनके नंबर कम आए उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे है उनको भी लेने की जरूरत नहीं है, जिनका पेपर नहीं हुआ उनके लिए भी ये वीडियो है, जिनका हो गया उनके लिए भी ये वीडियो है लाडलू, आपके लिए जाना बेहद जरूरी है। उसी के साथ एक चीज और बता दे लाडलू कि हमारी अकेडमी में रणभूमि बैच यानी फिजिकल बैच स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप आर्मी एसएससी जीडी या किसी भी फिजिकल आरपीएफ कांस्टेबल दिल्ली पुलिस फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो फिजिकल बैच स्टार्ट हो गया हमारी अकेडमी कुचामन सिटी नागौर राजस्थान में है लाडलो, फिजिकल बैच है। इसकी जो फीस है फर्स्ट मंथ 10,000 रुपये, उसके बाद हर मंथ 6,000 रुपये, 6,000, ठीक है, 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से ये फिजिकल बैच है। अगर आप आना चाहते हैं कुचामन सिटी लाडलो, 15 तारीख से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप 15 तारीख से पहले पहले एडमिशन करा लीजिए, नहीं तो उसके बाद में हमारे पास में जितनी सीटें हैं शायद फुल हो जाएगी, 100% है, क्योंकि अभी भी कुछ सीटें हमने एक दो वीडियो में अपडेट देते हैं फुल हो गई है। तो हमारे पास में 100 सीट है इस बार फिजिकल बैच के लिए, तो आप पहले से ही एडमिशन करा लीजिए। एडमिशन कराने के लिए आपके नीचे दिए गए नंबर है, इन पे कॉल कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक कुछ नंबर है उन पे भी आप कॉल कर सकते हैं और अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं लाडलो, कुचामन सिटी राजस्थान में रणभूमि बैच, क्योंकि इस बार आपको एसएससी जीडी कमाल का झटका देने वाली है। चलिए मैं बताता हूँ कि इस बार क्या नया होने वाला लाडलो। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2015 जब ये वैकेंसी आई थी जिसमें मैं लगा था, तो 2015 में की ये वैकेंसी थी लाडलो, और 2017 में मैं लगा था, 21 मार्च 2017 की मेरी ज्वाइनिंग थी। कब की थी? 21 मार्च 2017 की मेरी ज्वाइनिंग थी। इसके बाद में अगली वैकेंसी आई थी 2018 में जिसकी ज्वाइनिंग हुई है 2021 में। लगभग 3 साल से भी ज़्यादा समय लगा है इस वैकेंसी में, इस वैकेंसी में लगभग 2-2.5 साल का समय, 2.5 साल से भी ज़्यादा समय लगा है, और इसमें लगभग 3 साल का समय लगा लाडलो, ठीक है। तो इस वैकेंसी में लगा लाडलो लगभग 3 साल का समय, लेकिन इस बार नया क्या हो रहा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं लाडलो कि आपने देखा होगा एसएससीजीडी में इस बार 31 अगस्त फॉरम की लास्ट डेट थी, 31 अगस्त के बाद में 15 दिसंबर से आपके स्टार्ट थे एग्जाम, यानी सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 15 नवंबर 16 नवंबर से आपके स्टार्ट थे एग्जाम, 2.5 महीने में, मात्र 2.5 महीने में आपके एग्जाम शुरू हो गए। अब एक चीज मैं बता दूं, 2.5 महीने में एग्जाम हो गए, एग्जाम होंगे उसके 20 दिन बाद आपके फिजिकल की डेट आपके सामने रहेगी लाडलो, ये गारंटी है मेरी। फिजिकल की डेट कब तक आएगी? अगले 20 दिन बाद में आपकी फिजिकल की डेटें शुरू हो जाएगी। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार पूरी की पूरी भर्ती क्रिया में लगभग 1.5 साल का ही समय लगने वाला है, और जो सीआरपीएफ की अलग से, जो बच्चे बोल रहे हैं सर सीआरपीएफ की वैकेंसी अलग से आएगी, तो मैं आपको बता दूं सीआरपीएफ वैकेंसी अलग से नहीं, एसएससी जीडी में ही मर्ज होगी वैकेंसी आएगी, लेकिन कम बैक आएगी। जिस प्रकार राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी पुलिस की वैकेंसी की है कि लगभग 8,000 पदों की संख्या उनके पास में खाली थी, तो उन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में करा दिया है, अभी 4400 पदों पर और फिर एक लगातार 4400 पदों पर वैकेंसी कराने की उन्होंने घोषणा कर दी है। उसी प्रकार एसएससी जीडी में होने वाला है लाडलो कि अभी आपको 25,000 पदों पर, तो कैसे ये जल्दी होगा उसके पीछे एक रीजन है कि इस बार लगभग 2.5 लाख बच्चे परीक्षा में पास होंगे, 2.5 से 3 लाख के आसपास, जबकि पिछली बार आप सभी को पता है 6 लाख, 5,54,000 से प्लस, यानी 6 लाख के आसपास का आंकड़ा पास हुआ था। तो इस बार फिजिकल के लिए 2.5 लाख जाने, तो जो फिजिकल में पिछली बार 4 महीने लगे उसमें इस बार 2 महीने, पिछली बार मेडिकल के लिए 1,60,000 बच्चों को आमंत्रित किया गया, इस बार मेडिकल के लिए 75,000 बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा। तो यानी प्रक्रिया दुगुनी गति से होगी, बिल्कुल तेज स्पीड से होगी, चीते की चाल की तरह होगी, और आपकी ये वैकेंसी 1.5 साल के अंतराल में खत्म हो जाएगी, और जिन बच्चों के नंबर कम आए उनको निराश नहीं होना है, अगली वैकेंसी, ये वैकेंसी पूर्ण होते ही अगली वैकेंसी आएगी, और हो सकता है कि इसकी फाइनल मेट से पहले ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए, क्योंकि 100% मैं आपको आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका लिंक सेव कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि फाइनल मेट इसकी रुकी रहे, उससे पहले ही आपको एसएससी जीडी की विज्ञप्ति इस बार देखने को मिल जाए, क्योंकि सीआरपीएफ की जो पद खाली रहे वो एसएससी जीडी में ही आएंगे, अलग से उसकी वैकेंसी नहीं आएगी लाडलो। तो यानी ये वैकेंसी इस बार बहुत ही तगड़ी स्पीड से चल रही है लाडलो, और ये वैकेंसी लगभग आप देख लीजिए 1.5 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, अगर कोरोना का कहर नहीं रहा तो, ठीक है लाडलो। तो बहुत ही अच्छी न्यूज आप सभी के लिए, और जिन बच्चों के नंबर कम आए उनके लिए भी निराश नहीं होना है, अगली वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। जय हिंद, जय भारत।